रेलवे स्टेशन पर चाय का बिजनेस कैसे शुरू करें? अगर आप ट्रेन से सफर करते होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कुछ दुकानें बनी होती हैं। इन दुकानों पर ट्रेन रुकते ही काफी भीड़ हो जाती है और ये सिलसिला पूरा दिन चलता है। इस सफर में चाय हर यात्री की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप चाहे तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान खोल सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों की कमी कभी नहीं रहती, ऐसे में बिजनेस लगातार चलता रहता है। कभी आपने भी ये काम करने के बारे में सोचा लेकिन जानकारी की कमी में ऐसा नहीं कर पाए? तो आज हम आपको इस वीडियो में प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान खोलने का प्रोसेस बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप भी अपनी दुकान खोलकर रोजगार का एक अच्छा जरिया पा सकते हैं। इसके लिए आपको इसका टेंडर लेना होता है और रेलवे के अनुसार चीजों का रेट रखना होता है। इसके बाद आप सिर्फ एक दुकान से ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। जानते हैं कि आखिर ये दुकान कैसे ली जा सकती है। इंडियन रेलवेज ने खानपान से जुड़ी पूरी सुविधा IRCTC को सौंप दी है और इसका पूरा काम IRCTC की ओर से किया जाता है। साथ ही IRCTC ही इससे जुड़े बिजनेस, मेन्यू, खाने के रेट आदि पर फैसला करता है। अब IRCTC ही जनाहार केंद्र, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड यूनिट, ई कैटरिंग आदि पर काम करता है। ऐसे में आपको IRCTC से ही ये जानकारी लेनी होती है। कितने दिन का मिलता है टेंडर? रेलवे ने हर किसी को मौका देने के लिए अपनी कुछ नीतियों में बदलाव किया है, जिससे नए लोगों को टेंडर लेने का अवसर मिलता है। ऐसे में आप भी 5 साल के लिए टेंडर ले सकते हैं और 5 साल तक पैसे कमा सकते हैं। कैसे मिलता है टेंडर? अगर आप भी टेंडर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन स्टेशनों का चयन करें जहां आप आराम से दुकान चला सकते हैं, यानी आप अपने घर के आसपास के 3-4 स्टेशन का चयन कर लें। उसके बाद अब आपको नजर रखनी है कि उन स्टेशन पर कब टेंडर निकल रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको IRCTC की ओर से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन पर भी नजर रखनी होगी। जब भी कोई जगह पर टेंडर देनी हो तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा आप अपने DRM ऑफिस से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। टेंडर की जानकारी मिलने के बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आवश्यकता हो के आधार पर अप्लाई करना होता है। इसमें भी कई तरह के शॉप के लिए टेंडर मिलता है। इसमें टी कॉफी आउटलेट, मल्टीपर्पज शॉप या बुक शॉप आदि शामिल है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और टेंडर मिलने की कंडीशन हर रेलवे स्टेशन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसी तरह आप अपनी चाय की दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना लगता है किराया? प्लेटफॉर्म पर दुकान खोलने के लिए रेलवे को किराया भी देना पड़ता है। इसमें रेलवे की शर्त होती है कि आपकी बिक्री हो या ना हो, लेकिन आपको किराया देना आवश्यक होता है। ये किराया हर रेलवे स्टेशन के आधार पर डिसाइड होता है। जिन स्टेशन पर काफी ट्रेन रुकती है या बनती है तो उस रेलवे स्टेशन पर दुकान का किराया काफी ज्यादा होता है। ये आपको टेंडर की शर्तों में पता चल जाएगा। तो आज हमने आपको रेलवे स्टेशन पर चाय स्टॉल बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।